सब्सक्राइब करें हमारे समर राज व्लॉग को और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। आप देख सकते हो सर, यहीं पर था सर, सामने में ही था। और वहाँ पे फोटोज वीडियोस नॉट अलाउड। Hey everyone, good morning, welcome to another vlog. Finally, we are going to this Baba Harbhajan Singh temple and अभी हम लोग 10 minutes में निकलने वाले हैं यहाँ से। वापस जब आएंगे शायद हम लोग को शाम हो जाएगी, तो 4 या 5 बज जाएगा आज वापस आने में। उसके बाद हम लोग लेट्स सी क्या करते हैं, होटल कौन सा लेते हैं। तो हम लोगों को प्लान अभी तक ये है कि चांगू लेक जाना है और बाबा हरभजन सिंह टेंपल जाना है। कल का क्या प्लान होता है वो मैं आप लोगों को तभी बताऊंगी जब एक बार सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। कैब से हम लोग जा रहे हैं और कैब का कॉस्ट पड़ रहा है 4000 के अराउंड। वी आर ऑफ टू चांगू लेक। समर इज सिटिंग। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग भैया जो हमें ले जा रहे हैं। भैया हाय बोल दो एक बार। सो एज पर द टेम्परेचर एंड वेदर -6 डिग्री है वहाँ। आप अपने पास कैश जरूर रखिए अगर आप इधर आ रहे हो तो, क्योंकि उधर कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी हम लोग फिलहाल ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं। ये थर्ड माइल पे जो डायरेक्टली हम लोग को जाएगा ऑन द वे टू बाबा मंदिर। अरे नीचे मतलब नीचे जाना होगा। तो गाइस ये 3 माइल चेक पोस्ट है और यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग को आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रैवल एजेंसी से हम लोग बुक कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन पे ऑफिसर का सिग्नेचर लेना वो भूल गया था। वाओ, और ये एप्लीकेशन हम लोग को कैसे मिल गया यार विदाउट सिग्नेचर? ये सबसे बड़ी बात होती है गवर्नमेंट की। वो बात करने के लिए गए हैं बट पता नहीं, देखते हैं क्या बोलते हैं। हमने अभी पॉपकॉर्न खरीदा है और बाबुल सारा पॉपकॉर्न खा रहा है। हम लोग अभी खा रहे थे पॉपकॉर्न खा रहे थे और चेक पोस्ट के सामने ये लोग बोल रहे हैं कि मास्क नहीं पहनना है। तो आप ये बताओ कि खाते हुए मास्क कैसे पहन सकता है इंसान? रॉन्ग राइट। आप देख सकते हो सर, यहीं पर था सर, सामने में ही था। सी काफी सारा बर्फ है। मैं तुम्हें बर्फ देख के ठंडी वैसे अब लगने लग गई। तो भाई ये क्या साड़ी का शूट चल रहा है देखो। तो अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं। फिर हम लोग मैगी खाने वाले हैं अभी और समर रेंट पे शूज लेने वाला है। यहाँ पे आप रेंट पे बूट्स टाइप का होता है तो आप वो ले सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े और मफलर हैं एक्स्ट्रा, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो अगर आपके पास जैकेट नहीं है। 3 प्लेन मैगी 1 ऑमलेट एंड समर इज रेडी। आई एम रेडी राइट नाउ। तो अगर बाई चांस कभी शॉर्ट प्लान बनता है ना, शॉर्ट टर्म प्लान, तो अगर आपके पास जैकेट नहीं है, ग्लव्स नहीं है और कैप नहीं है, तुम अलग अलग ग्लव्स क्यों पहन रहे हो? ठीक है वो तो स्टाइल होता है। बाबुल पूरा ढूंढने में लगा हुआ है। येलो कलर का क्यों चूज कर रहे हो? हमने चूज किए थे, ये तो आंटी थी, हम हटाए उसको। आज मैंने आपको समर का आउटफिट भी दिखा दिया है। और हाँ हाँ मैं बता देती हूँ क्या हुआ था हमारे साथ। जो वहाँ के पुलिस थे, चेक पोस्ट के पुलिस, तो उन लोगों ने क्या बोला कि आपने मास्क नहीं पहना है। बट हमने मास्क पहना था, बट हम ना उस टाइम पे खाना खा रहे थे, खाना एज इन लाइक स्नैक्स कर रहे थे। तो का बोला था कि लगेगा फाइन, लगेगा पर हेड फाइन है दोस्त 300 रुपए। तो मतलब कहीं ना कहीं अपना 1000 रुपए का यहाँ पे फटका लगने वाला था। फिर हमने उनसे बात की तो फिर जाकर के वो थोड़ा बहुत समझे। सो मेरे आउटफिट में दिखा देती हूँ पागल। तो ये राशि का कुछ आउटफिट है और इसका ये पर्सनल आउटफिट है, मतलब कोई रेंटेड वाला आइटम नहीं है। कम और किफ़ायती रेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा रेंट पे। 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे
आपको पे करने पड़ेंगे 100 रुपीज़ बूट के लिए और जैकेट के लिए 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ का ग्लव्स, मफलर भी कुछ वही 50 रुपये। तो मतलब यार आपका जो पूरा गेटअप है ना वो आ जाएगा 300 से 400 रुपये के अंदर में मस्त वाला। ये क्यों लगाया हुआ है भैया, मतलब कोई जानवर वगैरह है क्या? अच्छा ये सारा आर्मी के अंडर में आता है क्या? स्पेस स्केटिंग वगैरह ही होता है? नहीं पानी है। ये है चोंगुले, किसी को बोलते हैं। अच्छा टूरिस्ट इस टाइम पे कम आते हैं क्या? बहुत भीड़ नहीं है? हम लोगों का प्लान बन रहा है नाथुला पास जाने का, सो यहाँ पे हम लोग शेयर करके जाएंगे। शेयर में हम लोगों का लगा है 2000 और नाथुला एक्चुअली अभी टेंशन के कारण, इंडो चाइना टेंशन के कारण फ़िलहाल मतलब आप जल्दी नहीं जा सकते हो, परमिट जल्दी नहीं मिलता है, बट यहाँ पे कैब वाले का फिक्स रहता है तो वो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। तो हम लोग जाएँगे। हाँ नाथुला पास का एंट्रेंस, हम अभी नाथुला पास में जाने वाले हैं। उधर कैमरा अलाउड नहीं है तो हम कैमरा लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर में बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो हम लोग पार्किंग एरिया में, अभी पार्किंग एरिया के बाद उसके बाद हम लोग कैमरा आगे नहीं लेके जा सकते, तो मैं यहाँ से ही आप लोगों को शो कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हाथ एकदम कांप रहा है मेरा, तो मैं ग्लव्स पहनने वाली हूँ। सबने जैकेट मार ली है। कैसा लग रहा है? बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत धूप अच्छी खासी है लेकिन ठंड भी। चलो ब्लॉग करें कि फोटो ले, आपने बोलते ब्लॉग करो, अभी ब्लॉग करते चलो। अभी नाथुला बॉर्डर पे हैं और ठीक पीछे ये चाइना बॉर्डर आ जाता है। हाफ किलोमीटर के बाद यहाँ पे चाइना बॉर्डर है और वहाँ पे फोटोज वीडियोस नॉट अलाउड, तो हम लोग ऊपर तो नहीं ले पाए लेकिन थोड़े बहुत फोटोज हम लोग खींच तो लिए हैं। इंडिया का और इसके पीछे चाइना का, और वो चाइना का झंडा भी वहाँ पे दिखाई देगा। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है हम लोगों को यहाँ पे आए हुए और आगे भी जाना है। इंडियन फ्लैग भाई देख, मैं चाइना बॉर्डर पे तो इंडियन फ्लैग एकदम फाड़े हुए था, सही में फाड़े हुए था इंडियन फ्लैग। हम लोगों का नाथुला पास कंप्लीट हो गया है एंड अब हम जा रहे हैं। नाथुला पास कंप्लीट हो गया लेकिन कितना ठंडा था ऊपर में, काफी ज्यादा ऊपर में, इतना ज्यादा ठंडा था ना, ऑक्सीजन की भी कमी लगती है, थोड़ी सांस लेने में तकलीफ होती है, तो थोड़ा इरिटेशन भी होने लग गया था, इरिटेशन होने लगता है ना तो फिर लड़ाई झगड़ा भी हो गया था थोड़ा सा, तो वो सब लेकिन अभी मैनेज है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। पॉपकॉर्न खाते फिर हम बैठ करके। ये रहा बाबा टेम्पल। कैसा सही लिया भैया? आप लोगों को ऑलरेडी हिस्ट्री अच्छा। पता होगी बाबा टेम्पल की, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। जो आर्मी ऑफिसर थे उनका यू नो घोस्ट या भूत अभी भी घूमता है एंड वो अभी देश की रक्षा करते हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये मंदिर तैयार हुआ था। और ये थोड़ा नाथुला पास से नीचे में पड़ता है। यहाँ पे भी मौसम बहुत अच्छा है यार, ठंडा नहीं है यहाँ पे, ऊपर में बहुत ज्यादा ठंडा था।
रात में इट सीम्स यहाँ -16 डिग्री हो जाता है। बिना मास्क के अंदर प्रवेश ना करें। ये है उनको मंदिर। सो ये है बाबा जी का ऑफिस। लिविंग रूम कुछ है पता नहीं, ये बंद है। और ये मुझे प्रसाद मिला है। और पता है अभी लिविंग रूम बंद होने का रीज़न क्या है? क्योंकि अभी लंच का टाइम है ना, तो लंच के बाद बाबा जी थोड़ा रेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका लिविंग रूम भी बंद रहता है वो टाइम पे। कुछ टाइम है, टाइम टू टाइम खुलता है, वो बोले कब देख सकते हैं बाबा जी? अभी सोया जी। ओके, 4:30 बजे कहाँ 4:30 बजे ओपन होता है तो टाइम टू टाइम ही ओपन होता है। लंच के बाद वो मतलब रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को 4:30 को ओपन होता है। और वो क्या है स्पिरिचुअल वाटर में? वो भाई घर में बीमार अगर प्रॉब्लम है ना, मार है तो वो 21 दिन तक रख के उसको पी सकते हैं, यहाँ से लोग ले जा सकते हैं घर पे। और वो क्या बोले स्पिरिचुअल वाटर हम नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं, अभी इनके पास स्टॉक नहीं है। ड्रोन मना है। यहाँ नज़ारा है यहाँ का। तो समर को कुछ कुछ चीज़ें पता चली हैं, अब बताओ। एक्चुअली यहाँ पे ये सारे में लिखा है कि अगर आप पानी का बॉटल जो चढ़ा रहे हैं, चढ़ाने के बाद आपको उस बॉटल पे नाम लिखना होगा। नाम लिखने के बाद वो बॉटल आपके जमा हो जाते हैं वहाँ पे। जो भी आर्मी वाले जाते हैं ना, तो वो बॉटल यहाँ से उठाते हैं फिर वो जाते हैं, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल वाटर का ये मतलब है ना कि स्पिरिचुअल वाटर जो है वो तुम अगर ले करके जा रहे हो घर में, अगर कोई बीमार है तो उनको तुम 21 दिन तक पानी पिला रही हो, बट उसमें सेम बॉटल जो हम लोग यहाँ पे चढ़ाए हैं। हाँ ठीक है, तो वो पानी का बॉटल तुम जब घर पे ले करके जा रही हो, बट उसमें एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, नॉन वेज नहीं खाना है फैमिली के किसी भी और कोई भी मदिरा सब सेवन या कुछ ड्रिंक्स ऐसा कुछ भी नहीं खाना है 21 दिन तक। ये बहुत ही टफ चीज़ है फैमिली का, मतलब कोई भी एक मेंबर भी अगर खा गया तो फिर मज़ा नहीं आने वाला यार, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है स्पेशल वाटर का। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी है वो फिर भी मानते हैं, जिनको बहुत बीमारी है हाँ वो तो मानेंगे ही, और वो 21 दिन तक वो पक्का फॉलो करेंगे। That's good. दोस्त लोगों को फील होता है, फील होता है करेक्ट, कि वो और बाबा अभी भी मतलब चारों तरफ हैं कहीं ना कहीं। और जो भी मीटिंग होती है ना इन लोगों की, इंडिया की तरफ से और चाइना की तरफ से जो मीटिंग होती है इवनिंग में, तो वो चेयर लगता है बाबा जी के लिए स्पेशली, और ये चाइना वाले लोग भी मानते हैं, तो चाइना वाले लोग भी चेयर लगाते हैं बाबा जी के लिए, उसके बाद ही मीटिंग स्टार्ट किया जाता है। आप लोग बैंगलोर से आ रहे क्या? यूट्यूब चलाते हैं आप? ओके दैट्स नाइस। तो यहाँ पे मंदिर के ठीक अपोजिट साइड में आपको मिलेगा ये सोवेनियर शॉप। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, तो विल पोस्ट द चांगू लेक वीडियो इन अनदर व्लॉग। तब तक के लिए इन्जॉय द सोवेनियर शॉप एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेजेस फॉर द लेटेस्ट अपडेट।